उदारता हो तो ऐसी एक प्रेरणा कथा। इस कहानी को सुनने और पढ़ने के बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी उदार लोग होते हैं। जी हाँ, होते हैं और होते रहेंगे। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आपने ओलिवर गोल्डस्मिथ का नाम अवश्य सुना होगा। उन्होंने बहुत सी रुचिकर कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। एक लेखक के रूप में तो वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, परंतु उनकी उदारता के बारे में भी बहुत से किस्से हैं। वो जरूरतमंद लोगों को सहयोग करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। उनके पास जो कुछ भी होता था वो उसको बांटने के लिए हमेशा ही आगे आ जाते थे। गरीबों को सहयोग करते करते और उनको पैसे इत्यादि देते देते उन्होंने अपना जीवन लगभग गरीबी में ही बिताया था। लोग उनको डॉक्टर गोल्डस्मिथ के नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि लेखक बनने के पहले उन्होंने औषधि विज्ञान का भी अध्ययन किया था। एक दिन एक गरीब स्त्री उनके पास आई और बोली, आप कृपया मेरे साथ आए और मेरे पति को देख लें, वो बीमार है और वो कुछ भी खा पी नहीं रहे। गोल्डस्मिथ उस स्त्री के साथ उसके घर चले। उन्होंने देखा कि उसके घर की हालत तो बहुत ही खराब थी। उसके पति के पास बहुत दिनों से कुछ भी काम नहीं था और घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था। वो व्यक्ति बीमार नहीं, निराश था। गोल्डस्मिथ ने उस स्त्री से कहा, शाम को मेरे कमरे में आना, मैं तुमको तुम्हारे पति के लिए कुछ दवाइयां दूंगा। डॉक्टर के कहे अनुसार शाम को वो स्त्री डॉक्टर गोल्डस्मिथ के कमरे पर पहुंच गई। गोल्डस्मिथ ने उसको एक छोटा सा कागज का बक्सा दिया। स्त्री ने अनुभव किया कि बक्सा भारी लग रहा था। गोल्डस्मिथ ने कहा, इस बक्से में दवाई है, इसको बहुत ही ईमानदारी से प्रयोग करना, इनसे तुम्हारे पति की बीमारी ठीक हो जाएगी। परंतु इस बक्से को अपने घर पहुंचने तक मत खोलना। उस स्त्री ने कहा, आपने ये तो बताया ही नहीं थे ये दवाइयां कब कब और कैसे लेनी होंगी। गोल्डस्मिथ ने कहा, जब तुम ये बक्सा खोलोगी तुमको सब मालूम चल जाएगा। उस बक्से को लेकर स्त्री अपने घर चली गई और अपने पति के पास बैठकर उसने उस बक्से को खोला। उस बक्से में पैसे भरे हुए, उसमें बहुत सारे सिक्के थे। ऊपर एक कागज पर लिखा था, जैसे जैसे आवश्यकता हो वैसे वैसे ये दवाई लेनी है। गोल्डस्मिथ ने उस दिन तक जितने भी पैसे बचा कर रखे थे वो उसने उस डिब्बे में डालकर उस स्त्री और उसके पति को दे दिए। मित्रों, आजकल ऐसी उदारता और ऐसी सहयोग करने की भावना कहाँ देखने को मिलती है। लोग गरीबों को अगर सहयोग करते हैं तो वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हैं। अमीर लोग तो दान देकर संचार के विभिन्न साधनों के द्वारा अपना प्रचार भी करवा लेते हैं। गरीबों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और सहयोग देने वाले लोग तो अब इस दुनिया से धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। धन्यवाद।